जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके हैं कि हम बात करने वाले हैं रेलवे ए के बारे में रेलवे ए एल पी फॉर्म दो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में इसमें हम इसमें हम इसमें इसके बारे में फुल डिटेल डिस्कस करेंगे कि ए एल फॉर्म जो आया है रेलवे की तरफ कितनी वैकेंसी है कैसे फॉर्म को फिल करना है इसके बारे में फुल डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल का नाम है इंजीनियर को सब्सक्राइब जरूर करना तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक टौक, पे आते हैं तो हम क्रोम ब्राउजर पे चलेंगे और इस पे सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे तो ये सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे इसकी जो पहली वेबसाइट आएगी इसको हम ओपन करेंगे तो हम सरकारी रिजल्ट सर्च कर चुके हैं तो इसकी जो पहली वेबसाइट आएगी तो इसकी पहली वेबसाइट जो है सरकारी रिजल्ट इसको ओपन करेंगे जैसे इसको ओपन करेंगे हम इसके हम मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे तो इसकी जो मेन वेबसाइट है वेबसाइट है इस पर हम आ गए ये जो मेन वेबसाइट है सरकारी जल की मेन वेबसाइट है इस पर किसी भी फॉर्म का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाता है किसी भी फॉर्म का नोटिफिकेशन रिजल्ट एडमिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी इस पर आ जाती है जैसे हमें हम बात करने वाले रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट ए ऑनलाइन फॉर्म 2024 तो इसको ओपन करेंगे इसको जैसे ओपन करेंगे इसके बारे में जितने डिटेल हैं इस पर आ जाएंगे तो इसकी जो एप्लीकेशन है स्टार्ट हो चुकी है जो बीस एक दो से स्टार्ट हो चुकी है इसकी लास्ट डेट है उन्नीस दो दो मतलब उन्नीस फरवरी दो इसमें जनरल के लिए फ़ीस जो है पाँच सौ रुपये है यस सी एस टी ओ बी सी के लिए ढाई सौ और आर कैटेगरी फीमेल के लिए भी ढाई सौ है इसके बाद इसमें एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चे देखते नहीं है फॉर्म फिल करने लगते हैं आपकी जो एज लिमिट है अट्ठारह से तीस वर्ष तक होनी चाहिए और जो अट्ठारह ईयर कब तक होनी चाहिए एक जुलाई दो हज़ार चौबीस तक आपकी अट्ठारह वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए इसके बाद इसमें हम वैकेंसी के बारे में जानेंगे इसमें जो वैकेंसी डिटेल है टोटल फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी सिक्स मतलब पाँच हज़ार छः सौ छियानवे पोस्ट है काफ़ी कम पोस्ट है जिस हिसाब से तो इसमें पोस्ट आनी चाहिए थी इसीलिए ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है आप भी उसमें साथ दीजिएगा जितने बच्चे हैं इसके बाद इसमें आप एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए टेंथ पास हो तो इसके बाद आई किसी भी आप जो डिपार्टमेंट इसमें दिए हैं मकैनिक्स या मकैनिक्स या फिर मिल रहा है ए टी मकैनिक रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब होनी चाहिए इसके बाद डिप्लोमा वाले बच्चे हैं टेंथ विथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल फिर बीटेक वाले भी कोई भी डाल सकता है इसमें जितने ये तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई इसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद हम देखेंगे कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी डिटेल तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है कहाँ पर कितनी वैकेंसी है जैसे अहमदाबाद में पेसर दो वैकेंसी है इसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिलासपुर में ग्यारह वैकेंसी इसके बाद इसमें ओ के लिए कितनी है जनरल के लिए कितनी है ये सब डिटेल में दिया गया है तो यहाँ से आप देखकर ये वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं कहाँ वैकेंसी ज़्यादा है कहाँ आपको अच्छा है आपके लिए कहाँ नज़दीक है या फिर कहाँ कटाव कम जाएगा कुछ बच्चे इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं तो वो आप देख कर फिल कर सकते हैं इसके बाद इसमें हम आएँगे इसके बारे में तो जानकारी हो गई कैसे फॉर्म फिल करना है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जल्द ही इसमें फुल फॉर्म फिलिंग वीडियो रहेगा उसको देखकर आप फॉर्म आसानी से अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं आज तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं और डाउनलोड सिलेबस यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ से आप जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं टी फर्स्ट टीयर सेकेंड होगा टीयर सेकेंड में भी पार्ट वन पार्ट टू मतलब पार्टे, पार्ट ए पार्ट बी है तो टी फर्स्ट में यही है टी फर्स्ट में जो है सेवेंटी फाइव मार्क्स के सेवेंटी फाइव क्वेश्चन रहेंगे मतलब एक एक मार्क के और जो आपका वन थर्ड इसमें सब में चाहे टी फर्स्ट हो चाहे टी आर सेकेंड वन थर्ड आपकी माइनस मार्किंग है मैथ है मैथ है मैथ के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आएंगे ये मैथ का सिलेबस दिया गया है जितना सिलेबस है इसी से आएगा फिर मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग के इतने सिलेबस है इससे आएगा इसके बाद जनरल साइंस है और ये जनरल अवेयरनेस है और रीजनिंग के ट्वें मैथ के ट्वेंटी क्वेश्चन इसके बाद रीजनिंग के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इसके बाद ये जो जनरल साइंस है इसके भी ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे और ये जनरल अवेयरनेस के टेन क्वेश्चन आएंगे इसके बाद सी बी टी टू सी बी टी टू में भी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए में भी पार्ट ए में नब्बे मिनट रहेगा सौ क्वेश्चन रहेंगे माइनस मार्किंग वन थर्ड इसके बाद इसमें सिलेबस ये मैथ का वही सिलेबस है इसके बाद रीजनिंग का भी सेम सिलेबस है फिर इसमें ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आ जाएगा ये इसमें जो है मैथ भी पच्चीस क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग भी पच्चीस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के चालीस क्वेश्चन आएँगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के चालीस क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद जीके जीएस के भी टेन क्वेश्चन आएंगे कितने टेन क्वेश्चन ये सिलेबस पार्ट भी जो आपका क्वालिफाइंग है ये आपका किससे आएगा आपके ट्रेड बेस पे आएगा जिससे आईटीआई है जिसका जिसका डिप्लोमा है उससे आएगा तो ये सिलेबस हो गया कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बाद हम आते हैं अपने फिर से मेन वेबसाइट पे तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस के बारे में नोटिफिकेशन के बारे में फॉर्म कैसे फिल करना है फॉर्म का फुल वीडियो हमारा अभी जल्द ही आने वाला है इसके बाद अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम आपसे फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड फॉर्म से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद